second match of the India Pakistan Wheelchair Cricket Association United. एक मिनट सर The Bangladesh team ताकि उनकी हौसला अफजाई कर सके ये है सुनील शेट्टी जी फॉर यू ऑल बिग बिग वेलकम ऐसी फैसिलिटी आज हमारे इस ग्रुप फोटोग्राफ फॉर द इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट टीम मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है हेलो यस द मैन ऑफ द मोमेंट द चीफ गेस्ट फॉर दिस Second match between India and Bangladesh walking onto the center pitch for the toss of the match. Yes, एक बहुत ही बड़ा पल है यहाँ पर डिसेबल्ड स्पोर्टिंग सोसाइटी जिनके माध्यम से इस इवेंट को अंजाम दिया गया है नेवड़ा पुटमैन फाउंडेशन के सम्माननीय चेयरमैन मिस्टर सुनील शेट्टी टू डू द टॉस ऑफ द फर्स्ट मैच अरे बक बेटा सर अरे नीला पल्लो में अरे बंदा बीच में आके थोड़ा बीच में आके हमें भी खेलना चाहिए लोगों के साथ प्रेरणा अगर हमको मिलती है तो आप लोगों से मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दिल से बात कर अरे पीछे आ गया अरे कौन आ रही है कौन वाला हाथ पर एक्टिंग सीखना है किया साला स्पोर्ट्स क्लब इससे बढ़िया काम कुछ हो नहीं सकता अगर इन्हें हम ऐसे ही एनकरेज करते हैं हमारे बच्चे जो हैं जिनसे सीख कर आगे बढ़ेंगे और स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे हमारे मेहमानों को इसलिए मैं मेहमानों के पास पहले गया था क्योंकि हम सब कुछ नहीं आप लोगों को मुबारक और कितना हिलता है मजा लीजिए और हिंदुस्तान का मजा लीजिए बोर्ड की तरफ से सबको शुभकामनाएं और ये और आधे इनकी तो बॉडियां देख के मैं डर गया हूँ आज शाम को जिम जाना ही है थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस सर थैंक यू नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर सुनील शेट्टी टू प्लीज गेट ऑन विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट वी स्टार्ट विद द बांग्लादेश टीम द कैप्टन ऑफ द टीम अरे सर आप लोग मोबाइल Man of the moment, our chief guest for the morning, noted film director, producer, entrepreneur, philanthropist, Mr. Sunil Shetty, doing the honors for this in this. अरे देखो ना आगे आ रहे हैं क्या बोलने का इस वक्त हमारे चीफ गेस्ट सुनील शेट्टी साहब बांग्लादेश के सभी टीम मेंबर्स के साथ इंट्रोडक्शन करते और उनका हौसला अफजाई भी करते हुए खाली बसना अरे इतना गुस्से से मत देख भाई बहुत तो वक्त है तो ए मोबाइल अरे ले ले वो अन्ना के साथ इसको तो लग रहा है ज्यादा अरे सर 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 अरे क्या सर अरे वो बाजू हो जाओ ना यार फोटो खींचे की नहीं उनका परिचय होता हुआ हौसला अफजाई भी करते हुए अन्ना से ज्यादा बेहतरीन इस इवेंट के लिए हमें आप नहीं हो सकती थी इस बात में कोई सिर देने और सुनील शेट्टी जी ने क्रिकेट इवेंट को अपनी हमारे सबको इसके लिए बहुत बहुत बड़ी बात है और
आप खींचो आप जरा पीछे हो जाना अरे इसको बोले बांग्लादेश ने इस मैच के टॉस को जीता है और गेंदबाजी करने का अहम फैसला लिया है यस विशिंग बोथ टीम्स ऑल द वेरी बेस्ट इंडिया इज ऑलरेडी वन अप इन दिस सीरीज दिस इज द सेकंड मैच इन दिस फाइव मैच सीरीज यस विशिंग बोथ टीम्स ऑल द वेरी बेस्ट एंड मे द बेस्ट टीम विन एंड अ बिग बिग सैल्यूट टू मिस्टर सुनील शेट्टी फॉर हैविंग मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट वाकई में उनके यहां आने से चार चांद लग गए और आई एम श्योर आपकी इंस्पिरेशन के चलते बोथ दिस टीम्स विल पुट अ बेस्ट फुट फॉरवर्ड हारेंगे नहीं तो क्या कर सकते हैं हां सर है ना अरुण रशीद जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह के क्रिकेट को जन्म देने वाले रोल 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 सर व्हाट यू से अबाउट द वंडरफुल इनिशिएटिव मैच बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया ओके सर सबसे पहले तो प्रोग्राम जिसमें आपने आज हिस्सा लिया है दो टीम है बांग्लादेश और इंडिया आई थिंक क्रिकेट ऑन अ व्हील चेयर कमाल की कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनाइजर्स को एनजीओ को पुटमैन जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि यू नो ऐसे इनिशिएटिव हमें लेना चाहिए भगवान ने हमें सब कुछ दिया हुआ है और हम खेलते कूदते रहते हैं लेकिन इनकी आप अगर एनर्जी देखेंगे और उनकी स्पिरिट देखेंगे तो शायद हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है इसलिए जब मुझसे कहा गया कि ऐसा एक टूर्नामेंट हो रहा है और वो भी बांग्लादेश और इंडिया के बीच तो मुझे लगा कि मेरा यहाँ होना बहुत ही ज़रूरी है मेरा हमेशा मानना है कि ज़िंदगी में हमें ज़िंदगी ने हमें और ऊपर वाले ने हमें इतना कुछ दिया है अगर हम किसी भी तरह से इनके लिए और उन अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए कुछ कर सके तो बहुत बड़ी बात है ओके सर जैसे कि देखा कि बहुत इंस्पायरिंग होता है जब ऐसे लोग जब जो डिसेबल लोग होते हैं वो भी गेम खेलते हैं आई थिंक स्पेशली एबल्ड कहते हैं हमें डिसेबल नहीं कहते लेकिन बट यस स्पेशल आई थिंक ध्यान दे रहे हैं अच्छे लोग ध्यान दे रहे हैं अगर मीडिया ऐसे और फैलाए तो और फोकस रहेगा मैं अपनी एक एनजीओ चलाता हूँ सेव द चिल्ड्रन इंडिया के नाम से और बहुत काम करते हैं हम लोग स्पेशल बच्चों के लिए टूर्नामेंट भी लगाते हैं जहाँ महाराष्ट्र से कम 18-19 टीम्स आते हैं तो आई थिंक इस बार भी महीने डेढ़ महीने में हम वो ऑर्गेनाइज़ करेंगे और उनकी उत्साह देख कर ही हमें मन करता है कि नहीं यार हमें भी कुछ करना चाहिए उनके लिए और कुछ तो वैसे ही इंडिविजुअल जब आगे आते हैं यू नो बहुत फर्क पड़ता है सर कभी कभी पॉलिटिकल रीजंस के लिए स्पोर्ट्स पर्संस या आर्टिस्ट को बैन किया जाता है मतलब एक मैच के लिए या एक क्रिएटिव मीडियम के लिए क्या कहना चाहेंगे वो कितनी दुख की बात है आई मीन डिपेंड्स आज अगर आप पॉलिटिकल बात करो और अगर आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो जो हुआ उनको भुगतना पड़ा लेकिन हर एक से गलती होती है तो कहीं ना कहीं हमें माफ़ भी कर देना चाहिए अगर हमें जेन्युइनली लगता है कि यू नो ये दोबारा उनसे नहीं होगा तो हमें माफ़ भी करना चाहिए सिचुएशन देखकर करना चाहिए और पॉलिटिकली हम फ्रॉम अ मीडिया पर्सपेक्टिव अगर उसे कंट्रोल किया जाए देन अपने आप पॉलिटिक्स स्टेज आउट ऑफ स्पॉट मेरी बायोपिक बनने के लायक नहीं है लेकिन संजय दत्त की बायोपिक बन रही है और आई थिंक रणबीर से बढ़िया और कोई नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं रणबीर के पिक्चर्स भी देखो तो लगते ही है वो संजय दत्त इन हिज हेड इज या थैंक यू पहले ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 3 रन बिना कोई नुकसान के एक शांत शुरुआत यहाँ पर रुपए ने काफी अच्छी गेंदबाजी का नजारा वहां पर पेश किया पहली गेंद सर बिल्कुल सटीक गेंदबाजी की नबितुली गेंदबाजी किसी भी तरह से बल्लेबाज को कोई रूम नहीं दिया कि अपने आर्म्स को फ्री करे और स्ट्रोक लगाए
वाकई में हम सभी आज अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि इस सुनहरे क्रिकेट अवसर का हिस्सा होने का मौका हमें मिला, और जितनी भी हम हौसला अफजाई करें दोनों ही टीम्स की उतनी कम होगी। जिस तरह से इंडिया की एक टीम पूरे क्रिकेटिंग ग्लोब पर छाई हुई है, उसी तरह से इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट टीम भी बड़े कदमों से तेजी से इस फिजिकली चैलेंज क्रिकेट का पहला स्थान की तरफ तेजी से बढ़ती हुई। साइड स्क्रीन लगाए, साइड स्क्रीन, ओके। ग्राउंड्समैन, हमारे वॉलंटियर्स प्लीज, साइड स्क्रीन की जरूरत है यहां पर हमारे मंच के सामने। साइड स्क्रीन को जल्द से जल्द ऑर्गेनाइज किया जाए प्लीज। We have with us at this point in time on stage Ispita Pati, who is the brand ambassador and jury member of the World Film Festival USA. She holds the crown for the Indian princess Miss Asia and is also a Bollywood actor. And more than anything else, she is associated with a lot of social work. She's a philanthropist and she's promised to be at this kind of events. She will definitely make her presence felt. She is not here just to add to the glamour quotient. She is indeed here to contribute in some way or the other towards this fantastic cause. A big, big thank you to Ispita.